नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपर ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। सूरतगढ़ नगर पालिका की बैठक में जमकर हंगामा हुआ और हंगामे के बाद सभी प्रस्ताव पास कर दिए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार सूरतगढ़ नगर पालिका परिसर में राजीव गांधी सभागार भवन में नगर पालिका की साधारण बैठक हुई, जिसमें विधायक राम प्रताप कासनिया, नगर पालिका ईओ मिलखराज चुग, नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा, उपाध्यक्ष सलीम कुरैशी तथा सभी पार्षदगण मौजूद रहे। और शांतिपूर्ण चल रही थी बैठक में पार्षद परशुराम भाटिया तथा बसंत बोहरा ने कुछ प्रस्ताव पर आपत्तियां जताई। इस पर अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व शहर के विकास में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन शहर का विकास होकर ही रहेगा। अभद्र बादशाह यानी असामाजिक तत्व कहने पर परशुराम भाटिया बसंत बोहरा उत्तेजित हो गए और सदन में हंगामा हो गया। आपको बता दूं कि दोनों ही पार्षद सत्ता पक्ष के हैं, फिर भी हंगामा हुआ। और उधर विपक्ष के विधायक राम प्रताप कांचनिया ने अपने बड़बोलेपन के कारण उन्होंने कहा कि पार्षदगण मेजे थपथपाकर सहमति प्रस्ताव पास करवा देते हैं। इस पर पार्षदगण सभी आक्रोशित हो गए और सदन में विधायक के पास आ गए और नारेबाजी ही की। इसके बाद अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा सभी पार्षदों में से शांत बने रहने की अपील की। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक में सत्ता और पक्ष दोनों ही सदन में जमकर हंगामा किया, लेकिन फिर भी सभी प्रस्ताव पास कर दिए गए। असामाजिक तत्व बता दिए थे बिना होते फिर का भाव। बैठक के अंदर पार्षद खड़े हुए और आपके खिलाफ भी नारेबाजी शुरू हुई है, तो आखिर कोई ना कोई तो वजह रही है। नारेबाजी सही नहीं हुई, ये सिर्फ विपक्ष बनके मेरे से बीजेपी और कांग्रेस के बीच नारे लगाने का प्रयास किया। हुआ क्या कि मैंने भ्रष्टाचार का मुद्दा सीवरेज वाला उठाया तो वो खड़े होके सारे कहने लगे पहले वाले बोर्ड ने किया। मैंने कहा अब वाला कोई दूध का धोया नहीं है, पहले वाले का भी विरोध किया था और अब वाले का भी कर रहा हूँ। पहले वाले के समय ज़्यादा काम हो गया, अब वाले के कम हो गया, तो मैंने रोड का उदाहरण दिया। एक तो भगत सिंह चौक से लेकर के राठी जी के घर तक उसका निर्माण सीवरेज वालों ने रोड तोड़ी और इसका निर्माण नगर पालिका के बजट से हुआ है। आज की बैठक बड़ी सारगर्भित रही, सब लोगों ने अपने अपने सुझाव, रचनात्मक सुझाव दिए और जो भी एजेंडे थे एक एजेंडे को छोड़कर सर्वसम्मति से एजेंडे को जो है प्रस्ताव पारित किया गया। उसके लिए मैं पूरे बोर्ड को, पूरे नगर पालिका बोर्ड के सभी पार्षदों को, माननीय विधायक बोर्ड को धन्यवाद देता हूँ। बैठक के अंदर विधायक राम प्रताप कासनिया के कुछ आरोपों के बाद में हंगामा भी हुआ, क्या वजह रही? जब विधायक महोदय ने ऐसा कहा कि आप जो है बिना सोचे समझे हाँ में हाँ भरते हो, जहाँ तक मेरे ये समझ में आया कि उन लोगों पार्षद महोदयों को सबको ऐसा महसूस हुआ, तब उन्होंने इस बात का विरोध किया कि माननीय विधायक महोदय हम भी पार्षद हैं और हम बिना जाने पर जो है किसी बात का गलत विरोध नहीं करते हैं और जो भी जायज़ बात होती है उसके लिए मांग उठाते हैं। तो माननीय विधायक महोदय ने उस बात के लिए कहा कि ठीक है, अगर आप इस प्रकार की अगर सजगता रखेंगे मैं भी आपके साथ।